सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज है 24 नवंबर और आज ही के दिन यो यो हनी सिंह के 3 सॉन्ग्स ड्रॉप हुए थे। जी हाँ, सबसे पहले तो फर्स्ट किस सॉन्ग जो कि 24 नवंबर 2020 में ड्रॉप हुआ था, उसको आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। ये सॉन्ग अगर आप देखोगे तो यो यो हनी सिंह की कमबैक के बाद बेस्ट सॉन्ग्स में से एक है। इसके अलावा बूम बूम सॉन्ग आज ही के दिन 2021 में ड्रॉप हुआ था। इस सॉन्ग को उस टाइम पे काफी ज्यादा हेट मिला था, लेकिन जब इस सॉन्ग के म्यूजिक को ड्रेक ने खुद अपने सॉन्ग में कॉपी किया तो सारे के सारे लोग बूम बूम सॉन्ग को पसंद करने लगे। खैर, तीसरा सॉन्ग है जाम, जो कि आज ही के दिन 2022 में एकदम न्यू एकदम जीरो सब्सक्राइबर वाले चैनल पे ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर भी इस सॉन्ग पे काफी अमेजिंग रिस्पांस आ रखा है। काला जादू छाया है, सब मोह माया है, मेरी चली किस्मत तो बनने गवाया है। सो पिछले 3 सालों की तरह अगर इस साल भी 24 नवंबर को यो यो हनी सिंह का कोई न्यू सॉन्ग आ जाता तो ये स्ट्रीक बनी रहती। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो ठगेश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने हनी पाजी के 10 साल पुराने इंटरव्यू पर रिएक्ट किया है, जिसमें इंटरव्यूअर हनी पाजी के लिरिक्स पे क्वेश्चन कर रहा था। सो इस पे रिएक्ट करते हुए ठगेश भाई ने बोला है कि हनी सिंह की लिरिक्स तो फिर भी ठीक थी, लेकिन आजकल के रैपर्स तो खुलेआम सॉन्ग्स में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप लोग छोटी सी क्लिप देख लो। उल्टी सीधी बातें, और लोग ये कह रहे हैं कि जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। यार, अगर हम देखें आजकल के कुछ गाने, आजकल के कुछ रैपर्स के गाने, और फिर हम हनी सिंह के गाने देखें तो हमको लगे कि हनी सिंह तो कितने सभ्य थे, शरीफ थे, कुछ नहीं तो कभी कभी इनडायरेक्टली बोलते थे चलो, लेकिन ये आजकल के रैपर। खैर, इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता ही है कि यो यो हनी सिंह ने हमेशा से ही ब्राउन गर्ल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ब्राउन रंग सॉन्ग तो आप सबने सुना ही है, लेकिन हनी पाजी के जो मोस्टली सॉन्ग्स होते हैं उसमें आपको ब्राउन गर्ल्स ही नजर आएंगी। सो अभी अभी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की हनी पाजी को ब्राउन रंग सॉन्ग बनाने के लिए प्रेस कर रही है। आप लोग छोटी सी क्लिप देख लो। While everyone else was making songs for the white girls, हनी सिंह made a song for us brown girls. कुड़ियां नी तेरे brown रंग ने, मुंडे पट तेरी सारी मेरे टाउन दे। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कलाशा सॉन्ग ने अभी अभी 120 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, साथ में स्पॉटिफाई पे भी 9 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुकी हैं। सो हनी 3.0 के सारे गाने इसी तरह सुनते रहो। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।